Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life. How to wake up early in the morning? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सब जानते हैं पर फिर भी तलाश जारी है. बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं जल्दी उठने की, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते. ऐसा नहीं है कि वो उन टेक्निक्स को ट्राई नहीं करते, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन ही काम करती हैं, क्योंकि टेक्निक्स काम तभी करती हैं जब हम जेन्युइनली वो काम करना चाहें, नहीं तो फिर वही एक्सक्यूजेज और वापस फिर वही रूटीन. अपनी इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक सिखाने वाली नहीं हूँ, बल्कि ये वीडियो आप में कुछ हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगी, वो भी तब जब आप वो करना चाहेंगे. बात समझने के लिए चलिए डिफरेंस देखते हैं. जहां जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं लेट उठने का एक भी नहीं. जल्दी उठने से दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव और हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, वहीं लेट उठने से क्योंकि दिन प्रोडक्टिव नहीं होता और काम पेंडिंग होने से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और पूरा दिन जो लेजी फील होता है वो अलग. सुबह जल्दी उठना एक बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत सारे लोग इसी छोटी सी चीज़ से हार मान के बैठे हैं और ना जाने कितनी जगह सर्च करते हैं जल्दी उठने के बहुत से तरीके और सोचते हैं कि कोई तो काम करेगा. बात सुबह जल्दी उठने की हो या लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने की, बाहरी कोई भी चीज़ काम तभी करती है जब विल पावर स्ट्रांग हो और माइंड फुली प्रिपेयर हो, बिकॉज ऑल इन द माइंड, बाहर कुछ भी नहीं है. अब माइंड की ट्रेनिंग हम कैसे करते हैं ये हम पे ही डिपेंड करता है. लेट्स ट्राई 2 sentences. से टू योर माइंड फर्स्ट, मेरे लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है. सेकंड, मेरे लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही इजी है. अब आप इसमें से कौन सा मैसेज अपने ब्रेन को बार बार देना चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप अपने ब्रेन को बार बार कहेंगे वैसा होता चला जाएगा. इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट्स. थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं उनका बिहेवियर नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने वालों का बिहेवियर पॉजिटिव होता चला जाता है. हर रोज़ ना जाने कितना स्ट्रेस फेस करके, स्ट्रगल करते हुए, लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी हार नहीं मानते, तो सुबह जल्दी उठना तो एक बहुत इजी गेम है. बस अपने माइंड को ही तो कंट्रोल करना है और आप में वो कैपेबिलिटी है, बस एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेज होते हैं ना उठने के. लेकिन याद रखें, ना करने के 100 बहाने, करने का बस एक. और आपके पास वो कौन सा एक रीज़न है और वो कितना स्ट्रांग है ये खुद से पूछें. रीज़न छोटे से छोटा हो या बहुत बड़ा, अगर दिल से आप उठना चाहें तो आपको किसी अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं. अदरवाइज़ कितना भी फैंसी और लाउड साउंड वाला अलार्म क्लॉक भी हमें उठा नहीं सकता जब हम खुद उठना ना चाहें. मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं और अपनी बात करूं तो 1 महीना पहले तक मैं 5 बजे उठती थी, लेकिन जब से एक डॉग अडॉप्ट किया है उस टाइम से 4:30 पे ही उठने लगी हूँ. चाहे मैं दिन के बीच में 1 आवर का एक नैप ले लेती हूँ, 4:30 पे उठने से जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मुझे मिले हैं वो दिन के 1 घंटे के बराबर हैं. क्योंकि सुबह के टाइम एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव. सुबह जल्दी उठने का मतलब अपने दिन को और भी प्रोडक्टिव करना. और जिन लोगों की शिकायत रहती है कि अपने लिए फ्री टाइम निकालना मुश्किल है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व. अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इतनी जल्दी उठती हूँ तो शायद 9 बजे के करीब सो जाती होंगी. नहीं, शेड्यूल कुछ इस तरह का होता है कि 11 बजे से पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता. आपको पता है दुनिया में ऐसे कितने हिस्ट्री मेकर, कितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो सिर्फ 3 या 4 घंटे की ही नींद लेते हैं. मेरा ये मतलब नहीं है कि आप भी 4 घंटे सोना शुरू कर दें, जहाँ तक हो सके जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठने में मुश्किल ना हो. पर ये कहना कि रात को लेट सोए तो नहीं उठ पाए किसी एक्सक्यूज से कम नहीं. आप कितने बजे भी सोएं, बट माइंडसेट ये होना चाहिए कि सुबह उठना ही है. और मेरा एक्सपीरियंस, जो पहले भी मैंने कई बार बताया है, कोई भी चीज़ किसी तरह से भी 30 to 40 days तक फॉलो करनी ही है बस. उसके बाद सब अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी. अगर कहा जाए कि आपको रोज़ एक नई जगह घूमने का चांस दिया जा रहा है, या फिर ये कि आपको एक पर्टिकुलर बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, देन आई एम श्योर आप बहुत ही ईजिली उठ जाएंगे. इसी तरह से खुद को रीज़न दें सुबह जल्दी उठने के, चाहे वो रीज़न आपकी करोड़ों रुपए की हेल्थ हो. एक्चुअल में करोड़ तो क्या, हेल्थ की कोई कीमत ही नहीं होती, वो बेशकीमती होती है. पर इसकी इम्पोर्टेंस इसे खोने के बाद ही समझ आती है. एनीवेज, चाहे वो रीज़न हेल्थ हो
कोई प्रोजेक्ट हो या घर के ही छोटे बड़े काम, बट अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव करना हो या अपनी हैप्पीनेस के लिए फ्री टाइम निकालना हो, सबका एक ही सलूशन है, वेक अप एटलीस्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। पर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस रूटीन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपको 3 से 4 दिन तक ही याद रहेगी और उसके बाद वापस भूल जाएंगे। तो फर्स्ट इज प्लान योर डे बिफोर। हर छोटे से छोटे काम को नोट डाउन करें, प्लान करें कि सुबह उठते ही पहला काम क्या होगा और उसके बाद क्या। पूरा दिन माइंड में इतना कुछ चलता है, स्ट्रेस और इमोशंस ने हमारी मेमोरी का काफ़ी लॉस किया है, सो हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं। पर सिस्टमेटिकली काम करने के लिए लिस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। हर काम और उसमें लगने वाला टाइम भी लिख लें, और जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लिए कितना टाइम सेव करने वाली हैं। मेरे सारे काम फिक्स टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर प्लान रेडी है तो समझें कि आपका 50% काम हो गया। अब तो बस इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिन को टैकल ही करना है, विच इज़ वेरी इजी। क्लीन योर किचन एट नाइट। जल्दी उठने के लिए ये पॉइंट आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर फिर भी हो सके तो कुछ भी करके अपना किचन हमेशा रात को ही क्लीन करें। रात को 10 से 15 मिनट अपनी किचन क्लीनिंग को देने से सुबह के लिए आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना लेती हैं, और ये चीज़ सुबह उठने के लिए हमें इंस्पायर करती है, क्योंकि मैसी किचन, नो प्री प्लानिंग ऑफ मील्स डीमोटिवेट करते हैं, और मैसी एरिया की पिक्चर माइंड में रहेगी तो अर्ली उठने का मूड नहीं बना पाएंगे। क्योंकि काम करने वाले एरियाज मैसी हो तो माइंडसेट भी वैसा ही बना रहता है। सो मेक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बाय क्लीनिंग योर किचन एट नाइट। कीप योर अलार्म क्लॉक एट अ डिस्टेंस। ये टेक्निक आपको काफ़ी लोगों ने बताई होगी, बट इट इज़ प्रैक्टिकल इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। अलार्म में एक ही टाइम सेट करें और सोचें कि आपके फ़ोन में स्नूज बटन है ही नहीं। एक ही बार अलार्म बजने पर उठना है, पैर ज़मीन पे, और स्टार्ट योर डे। अगर अलार्म बंद करके वापस बेड पे बैठे तो फिर दोबारा सोने के चांसेस रहते हैं। अलार्म क्लॉक दूरी पे होगी तो वहाँ तक जाते जाते आंखें खुल ही जाएंगी, और अगर आप जेन्युइनली उठना चाहें तो आप दोबारा आंख बंद नहीं करेंगे। उसके बाद अलार्म बंद करके कोई भी पीसफुल म्यूज़िक प्ले करें और कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश करें, और उसके बाद सीधा बालकनी में। कोल्ड वाटर एंड फ्रेश एयर आपकी नींद तो उड़ाएगी ही, साथ ही मूड भी फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप करना चाहें, इट विल बी गुड इफ़ यू विल स्टार्ट योर डे बाय बुक रीडिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन और एनी अदर एक्टिविटी फॉर योर बेटर हेल्थ। स्टॉप वॉचिंग टीवी लेट नाइट। सुबह जल्दी उठने से रूटीन ऐसी बन जाएगी कि आपको अपने लिए काफ़ी फ्री टाइम मिल जाएगा। फिर अगर चाहें तो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखने के लिए लेट नाइट जागने की ज़रूरत नहीं, उनको नेक्स्ट डे रिपीट सेक्शन में भी देखा जा सकता है। सारे दिन की थकान उतारने के लिए यू नीड गुड स्लीप, तो स्टॉप वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन टीवी एंड लेट नाइट चैट्स। सेट योर अलार्म 15 मिनट्स अर्लियर। डिफ़िकल्ट वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, लेकिन अगर फिर भी आप अभी तक इस वर्ड से कनेक्टेड हैं और अर्ली उठना डिफ़िकल्ट लगता है, तो जितने बजे भी आप उठते हैं डेली उससे 15 मिनट्स पहले का अलार्म सेट करें, और अलार्म बजते ही बिना खुद को कोई एक्सक्यूज़ दिए बस उठ जाएं। क्योंकि जब भी हम ब्रेन को एक एक्सक्यूज़ देते हैं तो साथ ही छोटे छोटे और कई एक्सक्यूज़ कनेक्ट हो जाते हैं और हम उस काम को करने में फेल हो जाते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको मोटिवेशन दे सकता है या आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर कर सकता है, बट उस पे वर्क करके उसे प्रैक्टिकल आपने ही बनाना है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बट लाइफ टाइम के लिए। थोड़े ही दिन इसे फॉलो करके जो चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे वो अद्भुत होगा। सो स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, एंड आई होप मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।